नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ ज्योजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और हमने देखा पिछले हफ्ते निरंतर लगातार गिरावट के बाद, जो कि ज्यादातर विदेशी संकेतों से हमारे यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। और हमने देखा कि बाजार ने काफी नीचे के स्तर हमने तय किए। और हाल ही में हमने देखा था कि हमने 60,000 के ऊपर सेंसेक्स के स्तर देखे, 18,000 के ऊपर निफ्टी के स्तर देखे। और उसके पश्चात जो संकेत हमें विश्व भर के बाजारों से आए, खास करके अमेरिका से और यूके से, उसके कारण हमने पूरे बाजारों को धराशायी होते हुए देखा। ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय शेयर बाजार नीचे गिरा, विश्व भर के अमूमन सभी बाजार नीचे की तरफ के दायरे दिखा रहे थे। लेकिन इस गिरावट के बाद, क्योंकि हमने जून 16-17 से जो रिकवरी चालू करी है, 60,000 के पार सेंसेक्स में गए, 18,000 के पार निफ्टी पर गए। और ये जो रिकवरी हमने देखी वो काफी छोटे समय में देखी थी और बहुत ही शानदार रिकवरी देखी थी। तो इसके आधार पर शायद आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। और ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, कल फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी है, गुरुवार को कल आखिरी गुरुवार महीने का। और उसके पश्चात शुक्रवार 30 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी। और वहां पर हमारा मानना है कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आरबीआई गवर्नर साहब ब्याज दरों में करेंगे, जिसकी सिफारिश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। इसके आधार पर शायद थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत बाजार के स्तर आपको बता दूं जहां पर हम हाल फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। 56,760 का स्तर है सेंसेक्स पर, 350 पॉइंट की गिरावट। 16,900 का स्तर है निफ्टी का, 107 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी बैंक 38,050 पर करीबन 310 पॉइंट की गिरावट। और रुपया है 81.90। और आज जो सबसे कमजोर स्तर रुपया का डॉलर बना था वो था 81.93। कच्चा तेल 85.20 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट, और 77.50 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स का दाम चल रहा है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुद्रा बाजार में कमजोरी लेकर के, कच्चे तेल में कमजोरी लेकर के, ये आसार है कि शायद जो विकसित देश है, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, यूरोप हुआ, वहां पर महंगाई दर को लेकर के जो विकास दर है वो धीमी पड़ सकती है। और शायद कुछ समय तक इन देशों को तकलीफ झेलने पड़ सकती है, भले ही कितनी ही मेहनत वहां के केंद्रीय बैंक और आला अधिकारी कर दें ब्याज दरों के परिवर्तन को लेकर के। लेकिन ये समस्या ऐसी है जो बहुत जल्द काबू में नहीं आएगी, ऐसा हमारा मानना है। इसके सामने अगर आप देखें दोस्तों, तो हमने पहले भी टिप्पणी करी थी कि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, वो बाकी अन्य उभरते हुए बाजारों से तुलना में, या फिर विकसित बाजारों की तुलना में, यानी कि इमर्जिंग कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट्स, हमारी जो परिस्थिति है वो बाकी अन्य देशों के सामने बहुत ही बेहतर है। हमारे यहाँ पर ब्याज दरें नियंत्रण में है, महंगाई दर ऐसे स्तर पर जहाँ पर ज्यादा जोखिम नहीं है, और विकास दर मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको निरंतर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। थोड़े बहुत समय लगेगा, लेकिन हम सबसे पहले उभरने वाले देशों में से एक होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ऐसे वातावरण में जब अनिश्चितता का माहौल इतना ज्यादा हो, किसी भी तर्क का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हम एक ही राय देते हैं कि आप अपना जो निवेश है वो बनाए रखें शेयर बाजार में, चाहे आप SIV के माध्यम के द्वारा करते हो या फिर आप शेयर बाजार में सीधे सीधे जाकर के निवेश करते हो। अगर पहला आपने चुना है तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए मेहनत करेगा। लेकिन अगर दूसरा विकल्प आपने अपनाया, यानी कि आप खुद जाकर के शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो हमारी प्रार्थना यही होगी आप लोगों से कि आप सोच विचार करके, समझ करके, थोड़ा बहुत अभ्यास करके निवेश करें। शेयर के दाम देख करके निवेश न करें, शेयर के काम को देख करके निवेश करें। और हम अक्सर कहते हैं कि आप क्वालिटी खरीदें, क्वांटिटी न खरीदें, क्योंकि लंबे समय में जब आप निवेशित करते हैं अच्छी कंपनियों में, तो इसका आपको जो मुनाफा मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसी तर्क के आधार पर हम हमेशा यही राय देते हैं कि आप छोटी अवधि के लिए निवेश न करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें।
संकेतों को लेकर के उठा पटक हो सकती है, चाहे वो हमारे देश में एफएनओ एक्सपायरी हो या क्रेडिट पॉलिसी हो। बाकी अन्य जो डेटा पॉइंट्स विदेशी बाजारों से आएंगे उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत नाजुक या कमजोर हो सकती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत हम यहाँ से और नीचे जा सकते हैं। लेकिन उभरने में हम सबसे पहले होंगे। और दोस्तों, अक्टूबर के मेरे ख्याल से दूसरे हफ्ते में आपको इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और हमारी सोच ये कहती है कि ये अगर आंकड़े दुरुस्त रहे तो हमारे बाजार को दशा और दिशा दे सकता है, और शायद थोड़ी बहुत रिकवरी हम हमारे बाजार में आते हुए दे सकते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा ट्रिगर होगा जो बाजार को संभाल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि निरंतर पिछले हफ्ते गिरावट हुई, सोमवार को गिरावट हुई, कल थोड़ा बहुत संभले, फ्लैट बाजार बंद हुआ, आज शुरुआत नीचे की तरफ हुई, लेकिन मौजूदा समय पर जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत रिकवरी निचले स्तर से आज आते हुए दिखी। तो इसी सोच, छोटी या मध्यम अवधि का ये सोच छोड़ करके लंबी अवधि का अगर आप सोचते हैं तो ऐसे समय में आप अच्छे शेयरों में निवेश कर सकते हैं जहां पर मूल्यांकन बहुत ही आकर्षक हो। इसी तर्क के आधार पर जिस तरीके से हम हर बार दो विकल्प आपको देते हैं, निवेश की राय देते हैं, तो आज जो दो विकल्प चुना है, पहला है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। ये क्षेत्र मेरे ख्याल से स्थानीय मार्केट में भी अच्छा करेगा, चाइना प्लस वन पॉलिसी को लेकर के भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मेरे ख्याल से इनका योगदान होगा, इनको मौका मिलेगा अपना कामकाज आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से पहली कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज जो कि स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी, और हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में नतीजे बेहतर होने के कारण इसके दाम ऊपर जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है ऑटो क्षेत्र से, और बहुत जल्द हम महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आते हुए देखेंगे अक्टूबर महीने के। वहां पर हमें लग रहा है कि एक स्टॉक जो कि निरंतर बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैंने आप स्कॉर्पियो एन को ले लीजिए, थार को ले लीजिए, बुकिंग्स को ले लीजिए, नई अवतार में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतरने वाली है, एक्सयूवी 400 या 400, ये, और उसके बाद और भी आपको नए अवतार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतरते देखेंगे, यूटिलिटी व्हीकल्स देख लीजिए, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट देख लीजिए, कमर्शियल व्हीकल्स में लाइट मीडियम और हैवी कमर्शियल्स देख लीजिए, इन सभी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है ये। और अच्छी बात यह है कि ऐसे बाजार में जब इतने हमने नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं तो ये एक स्टॉक ऐसा है महिंद्रा महिंद्रा जो अपने आप को संभाल के रखा है, और इसी तरीके की कंपनियों को आपको पहचानना है, ढूंढना है, जहां पर बाजार जब नीचे गिरता है तो ये स्टॉक्स कम गिरे, और जब बाजार रिकवर होता है तो ये स्टॉक्स आगे बढ़ के रिकवरी में भाग ले, हिस्सा ले। तो दो विकल्प है दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज और महिंद्रा महिंद्रा। और हमारा ये मानना है कि पूरी ताकत लगा करके एक समय पर नहीं, थोड़ा बहुत शुरू करें निवेश करना इन दोनों ही कंपनियों पर, जैसे हम हर बार कहते हैं, और जैसे जैसे आपको गिरावट मिलती है कुछ घरेलू और विदेशी संकेतों को लेकर के, तो आप अपना निवेश यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।